अभी नेटवर्क टू चैनल को सब्सक्राइब करे घंटी दबाना ना भूले। सब लोग सरदाम भाई को टारगेट किए हुए हैं, जाते वक्त दिक्कत हो सकती है। आप लोग देखिए, कुछ लोग कहते हैं मजमा जा रहा है तो ऐसा हो रहा है, नहीं कोई नहीं जा रहा। हम कहते हैं घर वाला ना चाहे कहीं जो पेशवा देगा हुआ, उस बात सब चले जाए, कोई तकलीफ नहीं। घर वाला भाग लेने तो पता नहीं भाग जाए भाई। तकरीर हम लोग करने आए हैं यहाँ इस स्टेज पे, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। मैं 8-10 दिन पहले यहाँ बोल के गया, फिर लोगों ने चाहा मुझसे पेशतर खतीब आजम हिंदुस्तान अल्लामा जुनेद रजा भागलपुरी साहब की खिताब हुई, अल्लामा हाफिज आसिफ इकबाल साहब की तकरीर बहुत अच्छी हुई, शायर हिंदुस्तान शाहनवाज हसन भी बहुत अच्छे पढ़े, नदीम रजा फैजी वो भी बहुत अच्छा पढ़ा, फिरोज रहबर का तो कोई जवाब नहीं है ना, ये लाजवाब है, बहुत अच्छी नकाबत होती है माशाल्लाह, वाह है ना। इनके कदम मत देखिए, इनके वजन मत देखिए, इनके शेर में भन भारी भरकम है। अलमाए अहले सुन्नत, सामिन अहले सुन्नत, खवातीन अहले सुन्नत, बच्चे अहले सुन्नत, बूढ़े अहले सुन्नत, मेहमान अहले सुन्नत, नौजवान अहले सुन्नत, घर में रहने वाले सुन्नत, जाने वाले अहले सुन्नत, गाड़ी पर किक मारने वाले अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। कुछ मेहमान घर में सुतल है। अच्छा उन लोगों को लाज शर्म है ना, किसी के घर आता गार काय करता है, जब सुतना है तो जाके घर में सुत, जाके चेक करो कम से कम 30 गो मेहमान निकलेगा, 9 भेग सुतल लगता है, अजमेर से डायरेक्ट यही उतरा है। अरे आपको घर बोला बोला है, जलसा सुनने के लिए, सुतने के लिए बोला है, अजब अजब दिमाग भाई, सुतना तो आइए सोना आइए है ना। हम तो नहीं कहते कि जिंदगी भर के लिए 8-10 घंटे के लिए सोना है, तो फिर सो जाओगे, अभी घर वाले खुशी मनाए। देखिए तनहा आदमी इतना बड़ा जलसा, बहुत बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात। इसमें नेशनल खतीब नेशनल शायर बुला लेना, ये सबके बस की बात नहीं है। अरे इसने सजा दिया है, आप लोग सुन लेना, यही कामयाब। हमारे हाजी साहब शुरू से अखीर तक बैठे हुए हैं और बकर से बोल, थोड़ी देर सुनिएगा। हाँ जो जहाँ है वहीं रही, कोई मोहल्ला कहेगा देखिएगा आके आगे बैठिए कुर्सी भरिए, हम तो कहते कुर्सी झकझक फेंक दी, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत मोहल्ला बोल कुर्सी भरिए, क्या भरोगे कुर्सी, फेंक जो लाया वो सोचेगा भरा। लेकिन आप लोगों को फैसला करना चाहिए, जब आगे जगह खाली होती पीछे वाला आ जाना चाहिए। देखिए वो नौजवान लड़का लोग भी आ रहा है, आप लोग वहाँ किनारे बैठे, वो कुर्सी लेके यहाँ सामने बैठ जाते थोड़ा सा अच्छा लगता, ऐसे भी अच्छा ही लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी हदान सवा अत्तरीक वजअल लना तौफीक खैरर रफीक वसलातु वसलाम अला मन अरसलहु हुदन हुवा بالاهتداي حقيقي ونورا بالاقتداي يليق وعلى آله وصحابه الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق आज तुम मुझको भगाने का हो, जब 30 करोड़ हो गए तब, अरे भगाना था हिम्मत थी तो उसी वक्त भगा देते, लेकिन नहीं, ये सिर्फ भवकी है, इसलिए कि आपकी कौम को नजर आजमा चुकी है कि आप पढ़ाई छोड़ दिए हैं, शिक्षा छोड़ दिए, तालीम छोड़ दिए, हिम्मत छोड़ दिए, समाज में उठना बैठना बेहतरीन अदब से बातचीत करना छोड़ दिए, अजान सुनते हो मस्जिद नहीं जाते हो, मिलाद में आते हो खाना खा के चले जाते हो, माँ बाप को देखते हो खिदमत नहीं करते हो, उलमा के पास कभी नहीं बैठते, बातों पे अमल नहीं करते, माँ बाप को देखते खिदमत नहीं करते, समाज में बैठते हो कभी इंसाफ नहीं करते, इसीलिए वो दिन देखना पड़ा, वरना ये कौम जिस रास्ते से निकलती थी, दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। इसलिए मुसलमानों याद रखो, साहेब खाना ने बड़ी मेहनत मोहब्बत के साथ इस प्रोग्राम को किया है। वालिदैन क्या चीज है, माँ बाप क्या चीज है, हमसे पूछते हो, इन लोगों से पूछते हो, अरे माँ बाप का मकाम अगर जानना है, माँ बाप की हकीकत को अगर जानना है तो मुझसे नहीं आवे से करनी से पूछो।
लेकिन वक्त बहुत कम बचा है। मैं जब तकरीर करने पर आता हूँ, जब मैं तकरीर करने लगता, कुछ लोग कहता झारखंडी तकरीर नहीं करता। मैं जितना इतिहास पढ़ा हूँ ना, जितना मुझे जानकारी है, मैं अगर तकरीर करूँ तो 3 रात खत्म नहीं होगी मेरी तकरीर के इतिहास पे, खाली भारत के इतिहास पे। लेकिन मुझको लोग तकरीर करने देता ही नहीं। मैं जब जज्बात में तकरीर करता हूँ, ये झारखंडिया बोल मन नया लगा होता है भाई। मैं तकरीर अभी कुछ दिन पहले यूट्यूब में आएगा शायद, भागल ये क्या कहते भागलपुर में किया हूँ, देख लेना कितना बड़ा मजमा। तकरीर करते हैं लेकिन लोग करने नहीं देता है। वरना मैं तकरीर अगर करने लगूं तो 1 सेकेंड इधर उधर नहीं, ना एक मौजू से हट के, न कोई इस तरह का जुमला, और 1.5-2 घंटा बोल लेता हूँ, 2-2.5 घंटा बोल लो। गरीब नमाज पर 2.5 घंटा मुसलसल बोलेंगे इसी पे मंच पे बैठे बैठे। कौसे आजम पर अगर बोलने लगे तो 2-2.5 घंटा बोल देंगे। लेकिन रही बात कि लोग मिजाज बना के आता है कि झारखंड या तो यहाँ से बात, ये मिजाज बना लिया है ना। अगर हम जज्बात में बोल के निकल गए, ये मन नया लगा पिछुए दिल को। सही बात है, मेरी तकरीब पहले होनी चाहिए थी। मैं लोकल आदमी हूँ, लोकल हूँ मैं, तो कभी कभार ऐसा होता है कि लोकल को बैठा के एक्सप्रेस पास करता, देखे होंगे रेलवे स्टेशन में, आज यही हुआ, लोकल बैठा दिया एक्सप्रेस पास है ना, लास्ट में एक दो मालगाड़ी भी पास कर दिया। लेकिन चलो बहुत अच्छा हुआ, जलसा बहुत कामयाब है। बस साहेब खाना ने जिनका नाम तक किया, सद्दाम तो दुश्मन ही किए, सब के 2-3 वो करी दिल के कहां कहां चल जाते, कभी जिंदगी बैठते ना यार, हमने काल में बैठ जाते तो हम नहीं देना चाहिए, कखनो मुंह दिखा दे किए थे, लाजो ना ला। ये सब मोहब्बत है, 10-20-100-150 कोई बड़ी चीज नहीं है। ये सब जब भी शायर मुकर्रम, मेरी तकरीर उसी टाइम में होती है जब मजमा में सब खत्म, खाली मुंह बचल है और हाथ बचल है, पॉकेट खत्म, झारखंड इलाके बैठा दो, अब टुकुर टुकुर तकरी कर रहे, अब खाली होता है ना। अच्छा एक चीज बताइए, सद्दाम बाबू ने जो सक रहा है ना, जो सद्दाम के घर में मेहमान कुटुम ससुर सास नन और साला वगैरह और मेहमान कुटुम लोग आया है कि नहीं, जब आया है तो सुनना चाहिए, अगर नहीं है पैसा कोई बात नहीं, एगो हरवे पिने दे घर में, पूछेगा कौन कौन आया था, बोल लास्ट टाइम झारखंडिया बोले लो, सलाम नहीं नया। सुनिए, माँ और बाप ये दोनों आपके लिए बहुत जरूरी चीज है। माँ और बाप, माँ का और बाप, माँ खाना बना के खिलाती है और बाप उस खाने का इंतजाम करता है। माँ घर को संभालती है, बाप 12-1 बजे रात साइकिल लेके कहाँ कहाँ निकल जाते हैं पता है, सोता नहीं है बाल बच्चों के लिए। लेकिन आज बाल बच्चे जब जवान हो जाए, शादी हो जाती है, बीवी आ जाती है, अरे बीवी से मोहब्बत करो ये गुनाह नहीं है। बीवी से मोहब्बत हजरत अली से पूछो, बीवी से क्या मोहब्बत है, हजरत मौला अली अपनी बीवी फातिमा से इतनी मोहब्बत क्या करते थे। एक दिन बीवी फातिमा फरमाती, ए मेरे सरताज, आज मुझे अनार खाने की तबीयत कर रही है, मुझे कहीं से अनार ला दीजिएगा। हजरत अली फरमाते ठीक है मैं चला। हजरत मौला अली निकल गए मदीने के बाजार तलाश करने लगे, तलाश करते 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 मदीने के आखिरी छोर में देखा एक आदमी एक अनार लिए बैठा है। मौला अली फरमाते अनार वाले अनार दे दो। उसने कहा मैं अनार बेचने ही तो लाया हूं। उसने 1 दिरहम दिया, मौला अली के हाथ में अनार दे दिए। मौला अली अनार लेके चलने लगे, चलने ही 2-4 कदम चले थे, सामने एक फकीर ने देखा, हजरत अली से फरमाते अली वो अनार मेरे हाथ में दे दो, अल्लाह के नाम
मुझे दे दो। मौला अली कुछ ना देखे जब अल्लाह का वास्ता दिया, फौरन हजरत अली वो अनार उस फकीर के झोली में डाल देते हैं। बीबी फातिमा की फरमाइश थी, एक अनार किसी सूरत से लिए खरीदा, फकीर ने मांग लिया दे दिए। हम लोग देते, हम लोग अगर मांगते हैं अनार, हम लोग पालोजुरी या दुमका बाजार में खोजते खोजते मिलता है, मांगते तो वो अनार देते हम लोग फकीर को, फकीर को उठा पटक देते, नहीं अनार देते, नहीं देते, बोल सोलह तीन घंटे, लेकिन फौरन दे दिए अनार दे दिए। मौला अली घर लौटे, फातिमा फरमाती मेरे सरताज मुझे अनार खाने की तबीयत जो थी वो खत्म हो गई, अब ख्वाहिश नहीं है। मौला अली अंदर बैठ गए, बातें होने लगी, इतने में किसी ने दरवाजे पे दस्तक दिया। मौला अली फरमाते कौन? कहा मैं सलमान फारसी हूँ। कहा किस काम से आए हो? कहा कि किसी ने कुछ तोहफा दिया है, दरवाजा खोलिए। सलमान फारसी आवाज देते हैं, मौला अली दरवाजा खोले। सलमान फारसी एक तश्तरी लिए मौला अली के सामने रख दिए। मौला अली तश्तरी से चादर को हटाया, अनार गिनने लगे, नौ अनार देखा। मौला अली फरमाते सलमान ये अनार किसने दिया है? कहा मुझे नहीं पता किसने दिया, एक नका पोश आया था, कहा कि अली के घर पहुंचा दूं, मैं लेके आ गया। कहा अली ए सलमान, अगर अल्लाह ने अनार भेजा होगा तो इसमें एक अनार कम है, दस होगा। रब का वादा है जो मेरे नाम पे खर्चा करोगे बदले में उसे दस दिया जाएगा। तब सलमान फारसी मुस्कुराते ए अली दस अनार था, एक अनार मैंने अपने लिए रख लिया। तो मुसलमानों जब आपके दरवाजे पे कोई फकीर आ जाए तो उसको झिड़की मत दो, जो हो सके दे दो। कोई गरीब बेटी के बाप चंदा के लिए 60 साल की उम्र में कागज लेके तेरे दरवाजे पे खड़ा हो, उस गरीब बाप के हाथ में 100-200 रुपया थमा देना। बड़ी मुश्किल से तुम्हारे दरवाजे पे चंदा मांगने आता है, शौक से नहीं आता। जब अपनी जवान बेटी को अपने घर में रात की तारीकी में अपने सिरहाने के बगल में सोई हुई बेजवान बेटी देखता ना, तो बूढ़े बाप बिलख बिलख के रात में रोने लगते, परवरदिगार किसी के आंगन में बेटी ना देना, मौला अगर बेटी देना तो गरीबी ना देना। मैं पूरे इलाके में सुबह उठता हूँ, इस नियत से घर घर जो जो करके दरवाजे पे छानता हूँ ताकि कोई 200-200 दे दे, हम गरीब बेटी की शादी कर लूं। हे मौला गरीबी देना, बेटी ना देना, और बेटी देना तो गरीबी ना देना। लेकिन इंसान सबर करता मौला, तूने कुरान में फरमाया है इन्नल्लाह मा साबिरीन, सबर करने वालों के साथ खुदा होता है, जिसके साथ खुदा होता है सारी खुदाई उसकी होती है। हे मुसलमानों शादी के मौसम में हमने कितना सख्त कर दिया, एक गरीब बाप अपनी बेटी की शादी नहीं दे पा रहा, कौन? आज मेरे पास पैसा आ गया तो आज अपनी शादी इतनी सख्त मैंने कर दिया कि गरीब बाप बेचारा अपने बेटी की शादी के लिए सोचना पड़ता है, रात रात पर सोता नहीं है। इसलिए शादियों को सस्ता करो। आज शादी अगर सस्ता हो गया, ज़ेना महंगा शादी सस्ता इतना कर दिया, इतना शादी को इतना महंगा लोगों ने कर दिया, जो इस्लाम में सस्ता था आज इतना महंगा शादी किया है, और लोग ज़ेना को सस्ता कर दिया है। आजकल तो शादी से पहले फोन शुरू, शादी से पहले घर भरी बर्तू बात हो गया, लड़की नंबर लड़का, लड़का नंबर लड़की, लड़का बर्तू बात करी बॉम्बे है ना, लड़की यहाँ अपने इलाके में रात बल्कि बात करो, लेकिन बर्तियो बरियातो तो क्या कुछ नहीं, बात आना जाना शुरू। बल डेटवा जल्दी बन हिलकी बल ने रहे मन करो बॉम्बे में, लेकिन की करबो रह जानक बल चल बल लास्ट फागुन में डटवा बन गए देवे बताओ ने लगा फोन फान बातचीत शुरू मोबाइल। अजब माहौल हो गया है इलाके में, इसलिए लोगों इन माहौल को बदलो। माँ बाप है घर में जिंदा है, खिदमत करो, दुनिया छोड़े तो इस साले सवाब करो, जैसे साहब खाना ने किया। माँ बाप अभी जिंदा है देख लो, अलमासी साहब ने फरमाए कहीं से आओ तो माँ बाप के पाँव दबा दो, पाँव दबाता है कोई आज तक नहीं दबाता, कौन दबाएगा, देहात में रस्म है नहीं, दबाता भी नहीं है, दबाना चाहिए माँ बाप के पाँव को, माँ के कदम के नीचे जन्नत है, दबाना चाहिए।
हजरत आवेश करनी रहमतुल्लाह अले अपनी माँ को खाना बगैर खिलाए वो नहीं सोते थे, इतनी बूढ़ी थी, इतनी ज़ईफ थी। जाने का इरादा किया मदीना के जाएंगे, रसूल की ज़ियारत करेंगे। कहानी बहुत, वाकया बहुत लंबी है, लंबा है, उस पे मैं जाना नहीं चाहता, बस इतना कह देना चाहता हूँ साहब खाना ने बड़ी अच्छा प्रोग्राम किया है, बहुत शानदार प्रोग्राम किया है। और जब स्टेज पे भरे खचे खचा रहता है, नारा लगता है, नकीब खतीब इलाके के शायर मुकर्रर इमाम सब रहते हैं, और जब मेरी तकरीर की बारी आती है तो डेढ़ दो बजे रात स्टेज भी खाली, लोग भी नारा लग रहा है, न बोहनी न बटा न ठेकान, जिंदगी में तकरीर करे पार भी एक आंख में सुरमा एक आंख में एकदम लाल मिर्चे कैसे बोल पाएगा। समर्थन होनी चाहिए, जब भी तकरीर हो समर्थन हो, बात हो, मेरी तकरीर तो इस इलाके में होते रहती है, बराबर हो रही है, और जब तकरीर करवाना हो तो मेन टाइम में बोलवा लीजिए, क्या जी अच्छे टाइम में बोलवा लीजिए, मेरी तकरीर पहले होनी चाहिए थी। मैंने कहा कि पहले, कहा कि नहीं आपकी तकरीर आखिर में होगी, माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बस थोड़ी देर दो चार मिनट उसके बाद फिर सलातो सलाम, चूंकि ठंडा है लेकिन यहाँ इतना ठंडा नहीं लग रहा है। माँ बाप क्या चीज है, बस बस इतने समाप्त कर लीजिए। हजरत सुलेमान अलैहि सलाम अल्लाह के पैगंबर है, कौन है अल्लाह के पैगंबर, बहुत बड़ी पैगंबर। उनके दरबार में एक लड़का बैठा था, मलिकुल मौत खड़ा है, सुलेमान अलैहि सलाम फरमाते तुम खड़े क्यों हो, कहा कि इसकी रूह निकालना है। सुलेमान अलैहि सलाम फरमाते ठीक है। सुलेमान अलैहि सलाम के दरबार से वो नौजवान निकल जाता है, अपने घर की तरफ जाने लगता है, घर पहुंचता है, उनकी बूढ़ी माँ उनके इंतजार में थी। जो ही बेटा पहुंचता है और बाप बेटे से पानी मांगता है, पानी लेके अपनी माँ को पिलाता है, मलिकुल मौत आगे बढ़ता है, लेकिन माँ जब दुआ कर देती है ना, माँ की दुआ कबूल होती है और उसकी जिंदगी उम्र अल्लाह बढ़ा देता है। तो बस कसने का मकसद ये है कि माँ बाप की दुआ लो, पीर साहब की दुआ बाद में, मौला दुआ बाद में, इमाम की दुआ बाद में, हाजी साहब की दुआ बाद में, कारी साहब की दुआ बाद में, मुफ्ती साहब की दुआ बाद में, इनकी दुआ आपके हक में कबूल हो या ना कोई गारंटी नहीं, लेकिन मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है, माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है। कहाँ फाटल इन पुराने किन चलते न चलते के जन हो, साठी तो नहीं चले लेकिन बहुत अच्छा है। एक सवाद के है उठा पुन सवाद हम सोचे जी नहीं थकी कर, बहुत अच्छा है जनाब, तनहा जलसा इतना बड़ा कर लेना मामूली बात नहीं है, इतना खर्चा कम लोग नहीं खाया। अच्छा कुछ लोग तो हम लोग आ रहे थे उसी टाइम कुछ जा रहा था, हम लोग आ रहे थे वो लोग जा रहा था, बोले क्या हुआ, बोल भेग लो खा ले, या अल्लाह ए मालिक ये लोग दुनिया में खाली खाने ही लिए पैदा हुए, उनको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो खाने ही लिए पैदा हुए, कई शादी में जाएगा खाना है, घर में रहा खाना है, उस वक्त कोई मतलब नहीं उसके पास। अब तो लोग इतना ओवर हो गया है, आपको इतिहास बता दूं, भारत में आपके साथ बहुत राजनीति चल रहा है, इस राजनीति को मिटाने के लिए आने वाले, अब सुनिए, अब आपको जो दबाया जा रहा था ना, अब दबने की बात मत बोलना, अब जो कुछ भी हो राजनीति, जैसे पंचायत चुनाव आने वाला है, फरवरी में ऐलान हो जाएगा, लास्ट फरवरी मार्च में हो जाएगा, इसमें भी आपको अपने कायद अपने इलाके के जो मुखिया मैन हो गणमान उनको चुनना है, बातों को सबको मानना है, सबकी बात नहीं, अलग अलग पार्टी मत बनाना, एक आदमी को समर्थन देके वो मुखिया गांव में बना के रख लेना, वक्त पे काम आएगा। आने वाले विधानसभा इसी सारण में, ये जितने आजादी के बाद से जितने इस इलाके में है ना लोग हैं, आज सिंह लोग जो आज आज 1952 से लेकर अब तक जो जीत रहा है ना, अब की आने वाले विधानसभा में अब कोई एक पार्टी हम लोग निकलेंगे और उनको समर्थन देके उसी को आगे बढ़ाएंगे, अभी उन लोगों का पीछे पीछे नहीं जाना है। 16% रह करके पूरे सारण को कब्जा किया और हम 36% उसका झोला ढोते हैं, इस चीज को खत्म करो।
अब इसके लिए आपको जागना होगा, आगे बढ़ना होगा। अभी यूपी का चुनाव नहीं देख रहे क्या क्या हो रहा था? लोगों ने कहा अवेसी को बीजेपी टीम बहुत कुछ कहा, लेकिन जब संसद में बिल फाड़ करके दिखा दिया मर्दे मुजाहिद, तीन तलाक का मसला आया, कौन बस किया? कोई सेकुलर पार्टी नहीं, आपका जितने हैं सपा हो बसपा हो जो भी कांग्रेस हो, सिर्फ आपको लूटने का काम किया है। इसी कांग्रेस के टाइम में बावरी मस्जिद का ताला तोड़ा गया, ताला लगाया गया, उसी में मूर्ति रखा गया कांग्रेस के टाइम में, उसी में फिर फैसला हुआ और फिर मंदिर को मस्जिद को तोड़ के वो तोड़ा गया कांग्रेस के टाइम में। मुसलमानों सिर्फ सेकुलर के नाम पे इसने हम लोगों को लूटा है हमेशा। अब हम लोगों को क्या काम कर दिया है? बीजेपी जीतेगी, मुसलमान एक तरफा वोट दो, अगर जेएमएम में नहीं देगा बीजेपी निकल जाएगी, कांग्रेस में नहीं देगा बीजेपी निकल जाएगी। क्या हम बीजेपी हराने को ठिका लिया? मेरे हिसाब से ठिका रहेगा, हम ही ठिका लिया। तुम अपनी अपनी पार्टी जिता सकते हो और हम खाली उसी को रोकेंगे? अब नहीं, हमको भारत में हिस्सेदारी का ऐलान कर दो, हिस्सेदारी चाहिए ताकि आपके बाल बच्चे भी इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, आपका बेटा मास्टर बने। जब एक डॉक्टर आपका बेटा बनेगा तो कोई बेटियां गरीब की आपको मरेगी नहीं, बल्कि वो डॉक्टर के पास जाएगा, इलाज कराएगा। आपके इलाके में न कोई बेहतरीन डॉक्टर नजर आता है, न कोई मास्टर नजर आता है, ना वकील नजर आता है। इसलिए अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ, मोल पे मौलाना के खिलाफ चुगली मत करना, बल्कि अपने बेटे को पहले पढ़ाओ। जब आपका बेटा पढ़ा लिखा रहेगा, वही बेटा सोने से पहले अपने माँ बाप के पाँव को दबा के सोएगा, घर से निकलने से पहले माँ बाप को सलाम करके निकलेगा, घर में आएगा तो माँ बाप का चेहरा देखेगा। मेरा प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जिसने माँ बाप का चेहरा एक बार मोहब्बत से देख लिया, एक हज मकबूल का सवाब मिल जाता। एक साहबी गए का मैं मक्का जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं गरीब हूँ। मेरे आका फरमाते, तू माँ बाप तेरा है ना, तू घर जा वापस, माँ बाप की खिदमत कर, उनके चेहरा देख, उनसे मोहब्बत कर। माँ बाप से मोहब्बत कर लो, माँ बाप का चेहरा देख लोगे तो एक हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। आज हम बीवी से बारहा एक फोन नहीं, कई फोन। ससुराल अगर बीवी नहर चले जाती है तो लड़का डेली एक घंटा फोन, डेली एक घंटा फोन, डेली। मगरिब हुआ तब की खा ले, तब किर बिछा ले, मुड़ाता से थानी तक क्या हो, कौन कमलवाई ओढ़ने, पूछा पूछी सुनी। और माँ को जिंदगी में घर घुस के नहीं देखा कि माँ कहाँ सोई है। कमल गुम से गन्हा हो बुढ़िया डकवा होता, मैं एकदम चुपचाप सुतल है, बाप ने बेटा ने बहू जिंदा में कभी ध्यान नहीं देता। हम लोग देखते हैं माँ बाप जिंदा है, न बेटा ध्यान, न पुतों का ध्यान, चुपचाप बुढ़िया पड़ल है। जिस दिन खाना पीना माँ बाप बन, उस बाद नाती पोता हन जितना दामाद समधी सब आके एकदम माथा तर घूमने लगे। खाना बन तब घूमेगा, जब तक खाना चालू कोई पलियो नहीं। खाना पीना बन, एकदम बेटा दौड़ के आया उधर जाके खागा से रस मलाई लेके, सेब संतरा लेके, और बाप के माथा बगल में खड़ा है। बाप, ए बाप, हम महिला लागी हो बाप छीन ले? बोल हाँ बेटा, 15-1 महीना बाद तो भेंट भेने छीन ली है। ले बाप रसगुल्ला ले ले, माँ खोल ले 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 बाप ले 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 बुढ़वा रसगुल्ला हाथ में बाप ऊपर खो खिला नहीं पाया। जेटो मचते से दल को ढोड़ों लगा लस लस जल्दी खत्म। सास खाटी पकड़ ली तब सब बहू सब मथातर घूमने लगे। माँ, ए माँ, हम छुटकी लागियो माँ, एक डे दूध ले माँ, ले 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 माँ, खोल खोल खोल। अब बुढ़िया दूध डूबिए बुढ़िया ही पर जटो पहुंचते डूबे हम घेच मुंह हम दुआ दे दे ना ये पर न तर बुढ़िया गड़गड़ा जल्दी है मुझे पूरा जवानी में थोड़ो खिलाएगा। अभी माँ बाप खा पी रहा, अभी बाजार जाता कुछ ला के दे देता, फट से खा लेता, दुआ दे देता। एक माँ अगर कुछ खाती ना तो दुआ देती है, और जो माँ दुआ दे देती है ना तो कसम खुदा को दुआ। एक माँ ने एक बेटा ने कहा माँ आप इतना डेली तना देते हैं, मैं आपकी हक अदा कर देंगे। कहा कि कर देगा बेटा, काम कर देंगे। कहा ठीक है, आज रात में मेरे साथ सोना,
आज रात में मेरे साथ ही सोना का, ठीक है माँ? अब बूढ़ी माँ सोई थी, जवान बेटा था बगल में सो गया। ठीक बेटा, नींद आने लगी तब माँ उठी, बेटा सो गया? बोल हाँ। बोले गिलास पानी देन बेटा। फिर बेटा उठा, फिर से हक अदा करने गया था, कहा कि माँ हम हक अदा कर देंगे। फिर गिलास लिया, पानी निकाल के घड़ा से मांग दिया, माँ आधा थोड़ा सा पानी पी फिर रख दिया। अब फिर बेटा चुपचाप सो गया चादर टान के। फिर आधा घंटा हुआ, देखा कि बेटा आंख लग रही, तब माँ उठी, बेटा थोड़ा बतिया जला दे बेटा। क्या हुआ? बस थोड़ा सा निकलेंगे। फिर बेटा उठा, फिर बत्ती जलाया, फिर निकले, फिर आके सो गई। फिर वो बाप बूढ़ी कुठरी देर के बाद, बेटा सो गया क्या? बेटा उठो ना बेटा, फिर पानी प्यास लगी। फिर बेटा उठा, पानी दिया। अब की क्या किया बुढ़िया? पनिया पकड़ते पकड़ते बेटा खाटे खाटे बेटवा चुपचाप एकदम ऐसे से पारा चढ़ने लगा, चढ़ने लगा। तब फिर कुछ देर के बाद बोली, बेटा फिर पानी दो ना बेटा। तुम खाली पानी है, खाली रात भर जो पानी पानी तंग कर रहे हैं, पनिया बिस्तर में ढाल दिए, फिर कभी दरवाजा बोलना खोलिए। कहा बेटा हो गया, बेटा हो गया, हक अदा हो गया, एक रात में तुम उगता गया बेटा। तुमको हम तीन साल तक इसी तरह किए थे, तीन साल तक इसी तरह किए थे बेटा। इतना आसान नहीं कि तुम हक अदा कर दो। एक दर्द होते माँ बाप, बहुत दर्द होता है। एक आदमी हल जोत रहा था खेत में, उसका बूढ़ा बाप डंडा लेके गया, कहा गया बेटा अरे अरे बाबा हल जो जोत रहा है उसको खोल दो। उसका बाप बेटा बोला नहीं 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 खोलेंगे। बोले बेटा खोल दो रे, बड़ी धूप है, हलवा खोल दो, आके धूप में मत रहो, आके साया में बैठो दरख्त के नीचे। बेटा कुछ नहीं सुना, जोतते रहे। वो सोच रहा कि हम पूरा खेत है ना हटा लेंगे, उसके बाद हल खोलेंगे, पूरा जब खुल जाएगा पूरा पूरा हो जाएगा जोतने के लिए तब खोल देंगे। उसका बाप बोला नहीं बेटा रे, बड़ी धूप है, खोलो रे, क्योंकि बाप था, बेटा पर दर्द लग रहा था। बेटा जोतिए रहा था, नहीं सुना, बुढ़वा उठा घर चला गया और अपने पोतवा उठा के घर हम लेके चलो रहे बुढ़वा। अब उसका जब लेके धूप हमला के, उसका बाप हलवा घुमाते देखा, मेरा बेटवा खेता एरिया में बैठा है, फर से हलवा रोक दिया। अपने बाप को बोला इतनी धूप में आप मेरा बेटा बैठा दिए, धूप में कितनी तकलीफ होती होगी, हल खोल के छोड़ दिया, फर से बेटा गोद में उठा लिया। कहा बेटा ये तुम्हारा बेटा है, तुमको कितनी तकलीफ लगी, तू मेरा बेटा है, मुझे कितनी तकलीफ लगती है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ हल खोल दो, धूप में मत जोतो। तो ये बाप का दर्द होता है, इसलिए लोगो अगर माँ बाप नाराज हो जाए तो अजमेर में चादर चढ़ाओ, कलियर में चादर चढ़ाओ, बगदाद में चादर चढ़ाओ, अजमेर में पड़े रहो, मक्के में पड़े रहो, सो हज कर लो, लेकिन कुछ ना होगा। अगर माँ बाप आंखी में राजी है अजमेर जाओगे, खाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफा भी। वक्त मोबाइल मेरा स्विच ऑफ हो गया, कितना टाइम हो गया? अरे सवा दो बज गया, अब 5-10 मिनट बोल दे, ये घंटा मतलब अब घर नहीं जा पारबो। अरे माशाल्लाह एक घंटा बोल दे, चलिए माशाल्लाह तो थोड़ी आज थोड़ी कुछ हट के बोल दे रहे हैं, है ना? हमेशा एक ही बात से ठीक नहीं लगता, कुछ हट के बोल रहे हैं, ता कुछ तकरीर सुनोगे तकरीर कर देंगे, लेकिन तकरीर करेंगे इस टाइम नहीं सुनोगे, एक से एक तकरीर, एक से एक वाक्य, बस इतना सुन लीजिए। हम लोग जो हैं सिर्फ एक दुनियादारी में फंस गए, इस कदर फंसे हैं जो कोई मतलब नहीं है, कब अजान हुई, कब नमाज हुई, कब क्या हुआ, कब क्या हुआ, कोई पता खबर नहीं है। जुमा पढ़ने जाते हैं 1:15 बजे, और इमाम साहब खुतबा पढ़ रहा है चाहे तकरीर कर रहा है, और जो जिंदगी में जुमा नहीं पढ़ेगा वही मस्जिद का घड़ियात कर रहा है, इमाम साहब मौला साहब टेमिया भेज लो, और जिंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ी, वही टेम दिखा दे, अफसोस नहीं लगता, नमाज छोड़ दिया। आप नमाज नहीं छोड़े, कौन कहता मुसलमान नमाज छोड़, नमाज ने आपको छोड़ दिया, नमाज नहीं छोड़ दिया, काहे पर जब जानोगे नहीं तो फिर गड़बड़वा नहीं देगा। जो गाड़ी चलाना जानता वही गाड़ियां चलाएगा, अब कभी ना गियर बदलना ढंग है, ना स्टीयरिंग पकड़ना ढंग है, अब चलोगे हड़बड़ाई उल्टी, तो नमाज पढ़ने ही नहीं जानता, कहां हमदो पढ़ते, कहां अलिफ लाम पढ़ते, कहां की पढ़ते, कहां युंगिया उठाते, कहां खाना फूंकते, एक उठा घेच गया छू फूंक दिया, हमने बेटा काहे फूंका, हम बोले साहब गर्मी हम सुन के गर्मियां फूंके, तभी फूंका जाने गर्म में फूंके, मां फूंके लगे दो तड़तड़े
कहीं क्या पूछता है कौन तो इस तरह नहीं नमाज पढ़ने का ढंग होता है। नमाज पढ़ने से पहले वो कानून है, जैसे मोबाइल मोबाइल चलाने से पहले उसका फंक्शन दिया रहता है कि ओके इसमें करो स्विच, इसमें दबाओ, इससे कॉलिंग होगा, इससे कटेगा, इससे नंबर दबाएगा। अब जिसमें कटने का उसमें रिसीव करेगा तो होगा। तो हम लोग के सबसे पहले जाके सबसे पहले गुसुल जो है गुसुल का फाइल खोलो। अब गुसुल का फाइल में क्या है, फिर तीन गो ऑप्शन आएगा, उस तीन गो ऑप्शन को दबाओ है ना। तो वो फलाजे गुसुल तीन है, उसमें तीन गो ऑप्शन आएगा। फलाजे गुसुल में तीन ऑप्शन है, फाइल खोलेगा जैसे मोबाइल का फाइल खोलता है तो निकलता है, गुसुल का फाइल खोलो तीन गो ऑप्शन निकलेगा, फलाजे गुसुल तीन। अब उसमें तीन अब कहाँ है कि कौन बटन दबाएगा कहाँ कहाँ, तो पहले गलहला करो तीन मरतबा, उस बाद नाक में पानी डालो यहाँ तक तीन बार, उस बाद पूरा जिस्म पानी बहाओ, एक रोवा भी सूखा ना रहना पाए, ये बटन आपका ओके हो गया। अब वहां डन कर दो, अब फौरन हरा खुलेगा, अब वजू का एक फैल निकल जाएगा, वजू का फैल निकलेगा। अब जब वजू का फैल निकला अब उसमें अब देखो जहाँ वजू का फैल में ओके किया, अब वहां चार गो बटन फिर निकल गया, फरेजे वजू चार है। हाँ धोना, फराजे वजू चार है ना, चेहरा को धोना, चेहरा धोना, उसका सर का मसा करना, हाथों को धोना, पाओ को धोना, चार। अब यहाँ ओके किया तब फिर मस्जिद का गेट ओके होगा, फिर वहाँ घुसो, फिर वहाँ मसल्ले पे ओके करो, फिर बटन टिकाओ, फिर वहाँ शरायत नमाज, सुन्नत नमाज, वाजिबात नमाज निकलते जाए। अब हम लोग क्या करते हैं, गुसुल का बटन हैंग का है, वजू के बटन ओके ओवन किया है, डायरेक्ट जाके एकदम मस्जिद का गेट में जब पार ढंग से आएगा। तो जैसे ये सीना ये है, ये बोर्ड है, पूरा जिस्म का ये बोर्ड है, दिल ये बोर्ड है, दिल क्या है, बोर्ड है। मोबाइल में जैसे होता है ना उसमें एसी उसी, तो ये एसी है, दिल है एसी है, मोबाइल छोटे मोटे इतना बड़े एसी है, हम लोग मोटे इतना बड़े एसी है। अब अगर ये खराब हो जाए तो मोबाइल काम करेगा, ई बटन दबेगा छह तो नौ उठे, नौ दबेगा पांच उठेगा, लाल दबाएगा तो ओके हो जाएगा। तो काम करना गलत काम करेगा, मतलब सही काम नहीं कर पाएगा। इसका एसी में फॉल रहे, इसका बोर्ड में फॉल रहे, अब मोबाइल का बटन इधर दबाओ उधर काम करेगा। इंसान का दिल है, पूरे जिस्म का दिल है, एसी है। अगर ये गलत हो जाए, ये खराब हो जाए, अब तेरा पांव चलेगा, अब मस्जिद की तरफ नहीं चलेगा, पांव चलेगा शराब खाने की तरफ, अब तेरा हाथ उठेगा भलाई की तरफ नहीं उठेगा, हाथ बुराई की तरफ उठेगा। अब ये आंख देखेगी तो कुरान की आयत को नहीं देखेगी, दूसरों के चेहरे को देखेगी, टीवी को देखोगे, सिनेमा देखोगे, एलसीडी देखोगे, फिल्म देखोगे, और ये कान से सुनोगे, तलावते कुरान नहीं सुनोगे, अजान नहीं सुनोगे, नबी की बात नहीं सुनोगे, रब का इरशाद नहीं सुनोगे, ये गलत सुनेगा, ये दिमाग सोचेगा गलत सोचेगा। तो गोया के अगर ये ऐसे खराब हो जाए तो पूरा मोबाइल भंग होता है, अगर दिल खराब हो जाए तो पूरा जिस्म। अब इनको कहाँ ठीक कराओगे, खागाम पालोजो मधुपुर नहीं, इसका इलाज आपके गांव में, यहाँ से उठोगे घूमोगे ऊपर चढ़ोगे देखना जहाँ इलाज इसका हॉस्पिटल वहाँ मीनार नजर आएगा लंबा लंबा, ए दिल के हॉस्पिटल जाएंगे वहाँ दिल का इलाज, दिल का इलाज। वहाँ क्या करोगे, अब वहाँ बेड नहीं है, मुसल्ला है बेड के जगह, बेड के जगह मुसल्ला है, वहाँ सेलेन नहीं, सेलेन के जगह में वजू है, वहाँ टेबलेट नहीं, टेबलेट के जगह पे नमाज है, वहाँ टॉनिक नहीं, टॉनिक के जगह तलावते कुरान। जब तलावते कुरान करोगे, जैसे जब बीमार होता है इलाज डॉक्टर कहता है एगो नुस्खा लगता है, देखा इसका जो जिस्म है कमजोर है, अब क्या करोगे डॉक्टर साहब, दुगो टॉनिक लिख देते हैं। तो अब जिस्म बीमार हो कमजोर हो जाए, अब उसमें ताकत लाना हो, रूहानियत लाना हो, बेहतरीन बनाना हो, तो तलावते कुरान सुबह शाम करो, तलावते कुरान की टॉनिक जब दिल के अंदर समा जाएगा, चलोगे ऐसा लगेगा जैसे खुदा के नक्शे अल्लाह के रसूल के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, बोलेगा ऐसा लगेगा जैसे औलिया कराम के बातों पे हम अमल। लेकिन ये सब ठीक करने के लिए इसके लिए आपको
बेहतरीन काम करना होगा, पढ़ना होगा। हम लोग कलमा तक नहीं पढ़ पाए, पांच कलमा अभी तक कोई पढ़ा? बीवे दिन पढ़ा, निकाह में पढ़ा, जिसका निकाह नहीं वो नहीं निकवे। हम पढ़ा दिए तीन कलमा पांच कलमा, ये तो हम मौलाना लोगों का एहसान समझिए कि हम लोग पांच कलमा नहीं पूरा। अगर चेक करके निकाह पढ़ाए कि पहले बेटा खड़ा हो जाओ, अब यही कर बेटा शादी करने आप पहले खड़ा हो जाओ, पांच कलमा सुनाओ तब निकाह पढ़ाएंगे। कसम खुदा की लड़का लो, इधर मेहमान आता रात ही मीटिंग लाए ब्याह करो, लाए लाए बताओ मुसलमानों ये हाल है, कलमा तक नहीं पढ़ पाता। नाम शादी में नाम लिखवाते हैं तो वो घर बना लो, यहाँ दुल्हा यहाँ दुल्हन के, तो घर हम लिखते लिखते यंगनोम लिख दे। एक लड़का लिखा है कमा तो को लिखा यहाँ, लो लिखा यहाँ, मुँह लिख दो लगा यंग नॉम के लिए यहाँ भर बोल यंग नॉम से बाहर एक लो हाथ बाद उनसे कलिए पढ़े लिखे नहीं के लिए बोल जोरम जग माच मारे लिए पढ़ भी कर खत्म ना नहीं लिखे कसम बोल नहीं लिख, बहुत आदमी नहीं लिख पाता नाम नहीं लिख पाता, अफसोस नहीं लगता। वो मोबाइल वो चश्मा वो टोपी रे बाप देखिएगा लगता है एकदम डायरेक्ट यही होता है, नाम तो नहीं लिख पाया। इसलिए है ना आजकल बर्थडे मना रहा हैप्पी डू यू बापा मया सब गाता हैप्पी डू 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 डोवा ये हैप्पी डू पेशवा आ गया हैप्पी डोवा कसम खुदा केक लाया केक बोल केक का काट। अच्छा केक हम लोग जब करते हैं ये काटे वाला सिस्टम हमने केक काटो, हम लोग कहते जब करते काट दो नहीं ना। अब बेटा का घर अब सब माँ बाप अब देहाती औरतें जा हैप्पी डो यू के पर बाबू के पर हैप्पी डोवा डो डो डबू डोवा डबू कह देते केक काट है ना, हार पिना दिया है ना, गलनी में लगा दे लोग कुलिया तुम दोनों। अरे बाप ये कौन डो यू है, यू हैप्पी डो यू है, यू डोवा डबू है, बेटों को पढ़ाओ। अरे ये हैप्पी डो यू अंग्रेजों का तरीका मत निकाल, अगर तू बर्थडे मनाते हो पहले बाप का मना ले, पहले दादा दादी का मना ले। बाप सरहर इलवा चटनी के फुड़े गेलो एकन डो डू डोवा डबू अजब है ना। अब दो बर्थडे ये सिस्टम चल गया मुसलमानों पेशवा आ गया बर्थडे। अरे बप्पा हकीका करो मुसलमान।